सो गाइस अगर आप जो है इंस्टाग्राम यूज करते हैं सो इस वीडियोस को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट वाला ये वीडियोस है। इस वीडियोस में मैं कुछ आपको जबरदस्त जो है चीज बताऊंगा जो आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है मैसेज से रिलेटेड। सो चलिए उस चीज को हम सीख लेते हैं। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आ जाना है। इंस्टाग्राम को आपको अपडेट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट करने का क्या करना है, इंस्टाग्राम को आपको ओपन कर लेना है। इस तरह से अगर आप लॉग करना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, उसको देख के आप सीख सकते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम में पासवर्ड सेट कर सकते हैं फोन के सेटिंग से ही। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर की ओर जो मैसेज वाला बार जो आपको देखने को आ रहा है बस इसी वाला मैसेज वाला बार पे आपको क्लिक कर लेना है। सो मैसेज वाला बार में जैसे ही क्लिक करो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे रिक्वेस्ट में जो है 2% है यहाँ पे आया हुआ। सो यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा उसके बाद जो है मेरे सामने कुछ इस तरीके से आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ पर्सन जो है यहाँ पे मैसेज किए हैं। सो यहाँ पे मैं ब्लॉक करूँ, डिलीट करूँ, एक्सेप्ट करूँ, यानी कोई भी पर्सन अगर डायरेक्ट जो है मेरे को मैसेज करना चाहेगा तो एक तो मैसेज नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर मैसेज करेगा उसको फॉलो करना है और यहाँ पे मुझे जो है परमिशन देना होगा। अगर वो मेरे फ्रेंड लिस्ट पर आना जाता है सो मेरे को मैसेज भेजेंगे और मैं उससे चाहूं तो उसे डिलीट कर सकता हूं, ब्लॉक कर सकता हूं, उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता हूं, इसे छोड़ सकता हूं। सो आपको क्या करना है, इस चीज को आपको जरूर यूज करना है, इस ट्रिक को आपको जरूर ऑन करके रखना है क्योंकि इससे क्या होगा कोई भी पर्सन जो है अननोन पर्सन डायरेक्ट आपका फ्रेंड लिस्ट पे नहीं आ पाएगा, फ्रेंड नहीं बन सकता है। सो वो क्या करेगा आपके लिए, आपको जो मैसेज भेजेगा उसके बाद आप जो है डिसाइड करोगे कि आप उससे जो है फ्रेंड लिस्ट पे रखोगे या नहीं रखोगे। अगर रखना है तो एक्सेप्ट में आपको क्लिक करके इस तरह से प्राइमरी या फिर जनरल में दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप टिक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये फ्रेंड लिस्ट पे आ चुका है। सो इसी तरह से आपको भी कुछ करना है। इसमें होता है क्या दोस्तों, कोई अननोन पर्सन जो है वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर देता है और आपके पास मैसेज आ जाता है तो फ्रेंड लिस्ट पे आ जाता है। सो ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। सो इसको आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। सो इसके लिए क्या करना है, चलिए उस चीज़ को सीख लेते हैं कि कैसे ये सेटिंग हम जो है कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने जो है इंस्टाग्राम पे आ जाना है और इस तरह से यहाँ पे आपको 3 लाइन जो है देखने को मिलेंगे, उसी 3 लाइन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये आ जाएंगे और सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग पे आ जाते हैं यहाँ पे स्लाइड करते हुए आपको इस तरह से आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे प्राइवेसी का ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं बस इसी प्राइवेसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आपको इस तरह से आना है नीचे की ओर, यहाँ पे आपको देखने को मिलना है मैसेज पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों ये वीडियोज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो पूरा आप जरूर रखना और ये सेटिंग जरूर ऑन करके रखना। यहाँ पे है योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जैसे आप इस पे से आएंगे सो यहाँ पे आपको मैसेज रिक्वेस्ट पे आपको टिक लगा देना है, यानी कोई भी पर्सन जो है मैसेज करेगा सो आपसे पहले परमिशन लेना होगा, आप उसे एक्सेप्ट करोगे तभी वो जो है मैसेज आपकी जो है आईडी पे सेव होंगे आएंगे, अदरवाइज वो ऐसे ही अटका हुआ रहेंगे। ओके सो ये चीज आपको जरूर टिक लगाना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे अदर पीपल यहाँ पे जो है ये सब में आपको रिक्वेस्ट पे आपको टिक लगा देना है ताकि कोई भी पर्सन जो है जो से मैसेज करता है तो आपके पास डायरेक्ट ना आए, आप उसे एक्सेप्ट करोगे वहाँ पे मैसेज देख लोगे, आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से भी डिलीट ब्लॉक कर सकते हैं। सो ये चीज बताना था, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वाला वीडियो है। इंस्टाग्राम से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देखिए काफी कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। सो ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट पे आप जरूर बता सकते हैं।